एक लाइन है 4x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, उस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट 4, 1। देखो मान लो लाइन ये है, अब इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है 0.41, 0.41 यहाँ पे है। ये जो डिस्टेंस निकालनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, उसने बोला ये डिस्टेंस निकालनी है मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस निकालनी है उस लाइन के अलोंग जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 130 डिग्री, 135 डिग्री। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सभी को। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q ले लेते हैं, मतलब हमें Q फाइंड करना है, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, Q पॉइंट फाइंड करना है, अगर हमें Q पॉइंट मिल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले लिख देते हैं लेट क्यू बी द इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट है क्यू। अब स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का स्लोप क्या है, 10 135। 10 135 की वैल्यू होती है -1। अब ये जो लाइन है पी से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी है और एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पल 21 है शायद, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसकी इक्वेशन निकाल देंगे, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ठीक है, इसके बाद तो आ गया समझ में, वैसे करते हैं पूरा तो क्वेश्चन करेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, 4 और 1 5। और इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। कमेंट बॉक्स में सभी लिख सकते हो कि अब क्या करना है, आसान है, अब तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी क्यू पॉइंट आ जाएगा, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, तो 5x इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 5x इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई 4 आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट है 4,1 और क्यू पॉइंट है 1,4। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम पी क्यू निकाल देंगे। अलोंग द लाइन का मतलब होता है जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के अलोंग निकलनी चाहिए, अगर अलोंग द लाइन ना दे रखा होता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा देते हैं, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला।
तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 18, मतलब 3√2 यूनिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि इस लाइन की 0.41 से डिस्टेंस निकालनी थी अलोंग द लाइन, दिस लाइन जो एंगल 135 बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस।